शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें शिक्षक के पेशे को सम्मानजनक बताते हुए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। वहीं मुरादाबाद में प्राथमिक शिक्षकों ने इसे विरोध स्वरूप मानते हुए बीएसए कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। धरना दे रहे शिक्षकों का कहना है कि साल में महज एक दिन सम्मान देकर उन्हें अपमानित किया जा रहा है, बाकी 364 दिन किसी न किसी अधिकारी द्वारा प्राथमिक शिक्षकों को अपमानित किया जा रहा है, जिसके लिए आज के दिन शिक्षक सम्मान बचाओ दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष सर्वेश कुमार शर्मा ने कहा कि हम शिक्षकों के सम्मान को बचाने के लिए ये प्रतीक स्वरूप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार शिक्षकों का पर कोई ना कोई आरोप लगाकर उत्पीड़न किया जा रहा है। शिक्षकों की लंबित मांगों पर सरकार ने अभी तक कोई सुध ही नहीं ली, यही नहीं बल्कि उनके पेंशन तक बंद कर दी गई है। तो फिर कैसा सम्मान? जनपद के सभी ब्लॉकों में केस बड़ी संख्या में शिक्षक धरने में मौजूद रहे, जिसमें महिला शिक्षकों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सर, क्या नाम है आपका? सर्वेश कुमार शर्मा, मैं जिला अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ का। आज ये धरना शिक्षक सम्मान बचाओ दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, उसको हम शिक्षक सम्मान बचाओ दिवस के रूप में मना रहे हैं। क्या मांगे हैं, क्या विरोध है? विरोध ये है कि एक दिन 5 सितंबर को हम लोगों को सम्मानित किया जाता है और वर्ष में 364 दिन अलग अलग अधिकारियों के द्वारा, शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, हमको हमसे कम वेतन भोगी अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा अपमानित कराया जा रहा है। तो एक दिन का सम्मान की हमें आवश्यकता कहाँ है फिर, जब 364 दिन हमको अपमानित कर रहे हो और एक दिन सम्मान दे रहे हो। तो ऐसे सम्मान बचाने के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं और हमारी सरकार से मांग है कि विद्यालयों में, समस्त विद्यालयों में फर्नीचर की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, समस्त विद्यालयों में विद्युत और पंखे की व्यवस्था कराई जाए, समस्त विद्यालयों में चार दीवारी की व्यवस्था की जाए, सारी मूलभूत सुविधा। हम कहते हैं प्रेरणा ऐप है, प्रेरणा ऐप में जो हमारी जूनियर हाई स्कूलों में किशोरियां हैं, प्राइमरी में तो छोटी बच्चियां होती हैं लेकिन जूनियर स्तर पर किशोरियों किशोरावस्था में होती हैं, तो जो किशोरियां हैं उनकी और हमारी जो शिक्षिका बहनें हैं उनकी निजता की गारंटी ऐप बनाने वाली कंपनी भी नहीं ले रही। तो भाई उनकी गारंटी कौन लेगा कि हम जो सेल्फी या फोटो डालेंगे वो उसका मिसयूज नहीं होगा? हम विरोध नहीं कर रहे, प्रेरणा ऐप लागू करिए, लेकिन एकमात्र शिक्षकों पर ही क्यों? अन्य विभाग को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया, क्या सबसे बड़े बेईमान चोर हम ही हैं? जहां लूटपाट मची हुई है जिन विभागों में, उनमें तो प्रेरणा ऐप नहीं लगाया जा रहा। एक तरफ कहते हैं शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है और दूसरे तरफ हम पर अपराधियों को पकड़ने के लिए 100 नंबर डायल और शिक्षकों के लिए लागू कर रहे हैं 1000 डायल, यानी हम 10 गुना अपराधी हो गए। इन सब चीजों को लेकर और हमारी मांगे भी हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए, हमारे 1,27,000 प्रधान अध्यापकों के पद समाप्त कर दिए गए उनको बहाल किया जाए, 3 वर्ष से हमारी पदोन्नतियां नहीं हो रही, पदोन्नतियां की जाए, एक ही प्रांगण में स्थित विद्यालयों को मिलाकर के उनका सम्मिलन कर दिया गया, उन सम्मिलन विद्यालयों को हटाया जाए, 17,140 18,150 न्यूनतम वेतनमान की विसंगति वर्षों से चली आ रही है, उस विसंगति को दूर नहीं किया जा रहा। ये प्रदर्शन आपका कब तक चलेगा? ये प्रदर्शन आज 5 को 12 बजे से 2 बजे तक का था, शिक्षक सम्मान बचाओ दिवस के रूप में। इसके बाद हमारा 11, 12 और 13 को 3 दिन यहीं इसी स्थान पर 2 बजे से 5 बजे तक धरना रहेगा और उस धरने में 13 तारीख को हम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को संबोधित ज्ञापन प्रेषित करेंगे 13 तारीख को। और इस पर भी अगर सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है, हमारे स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराती है, तो अगली डेट हमारा प्रदेश नेतृत्व निर्धारित करेगा और लखनऊ में एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।